भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीम ने घूस लेते हुए अधिकारी को किया गिरफ्तार। सकलडीगा विकासखंड परिसर में स्थित ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय से बुधवार को ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार सेठ को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी टीम ने रंगे हाथ पकड़ा और भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमे के तहत जेल भेज दिया। मामला पीथापुर गांव के 10 परिवारों को पानी पीने के लिए सरकारी हैंडपंप लगवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी विनोद सेठ द्वारा 5,000 रुपए घूस की रकम मांगी गई थी, जहां 5 और नए हैंडपंप लगवाए जाने थे, जिसमें एक हैंडपंप लगवाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी रंगे हाथ भ्रष्टाचार निवारण टीम के हत्थे चढ़ गया। पूर्व प्रधान संजय प्रताप सिंह पुत्र हरि नारायण सिंह ने हैंडपंप लगवाने के लिए बीते 10 अगस्त को खंड विकास अधिकारी सकलडीहा के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी, जिसकी कार्यवाही के लिए खंड विकास अधिकारी द्वारा संस्तुति प्रदान कर ग्राम विकास अधिकारी को दिया गया। जिला चंदौली से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन संतोष कुमार दीक्षे। क्या सर मामला है, आज किस तरह का जो है कि प्रकरण सामने आया है? ये मामला जो है ग्राम पीथापुर के संजय प्रताप सिंह, इन्होंने 10/8/2020 को प्रार्थना पत्र दिए थे विकासखंड अधिकारी को सकलडीहा को, जिस पर हैंडपंप लगवाने हैं जी, सरकारी हैंडपंप लगवाने हैं, तो ये प्रार्थना पत्र विकासखंड अधिकारी सकलडीहा को दिए थे, जिस पर उन्होंने इंडोज करके सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार सेठ को दिए थे जी। और ये काफी दिनों से प्रकरण चल रहा था जी, लेकिन बिना पैसा लिए जो है ये हैंडपंप नहीं लगवा रहे थे। इन्होंने 5,000 रुपये की डिमांड किया था कि जो है 5,000 रुपये हमको दीजिए तो मैं आपको आपके यहाँ हैंडपंप लगवाऊंगा। इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।